आगे प्रश्न और 11.1 का प्रश्न नंबर 2। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हो। तो देखिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो जो जो भुजाएं दे रखी है उनके अकॉर्डिंग एक त्रिभुज की रचना करनी है। फिर देखिए इस त्रिभुज की 2/3 गुणी इसी के समरूप एक त्रिभुज की हमें रचना करनी है। तो 2/3 क्या होता है, 1 से छोटी संख्या होती है, तो इस त्रिभुज की 2/3 करेंगे तो इससे छोटी एक त्रिभुज हमें प्राप्त होगी, उसकी हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले तो हम मेन जो त्रिभुज हमें यहाँ दी गई है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उसकी रचना करेंगे। फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जो भी हमें अनुपात दे रखा है उसके अनुसार जो हमने पहले त्रिभुज बनाई उसकी समरूप त्रिभुज जो हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तो जो है यहाँ पर किसी भी एक भुजा को आप आधार ले लीजिए, जैसे मैं 6 सेंटीमीटर को ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर हम आधार ले लेते हैं और इसको मैं BC का नाम दे देता हूँ। तो ये BC आधार है और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे कि बाकी भुजाएं बच गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो मैं 5 सेंटीमीटर पहले प्रकार खोलता हूँ, ओके। देखिए 5 सेंटीमीटर स्केल पे मापा, बी को केंद्र माना और इस पर एक चाप लगा दी। उसके बाद बच गई 4 सेंटीमीटर भुजा, फिर 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलिए स्केल से माप की, ओके। फिर सी पे प्रकार की नोक रख करके एक चाप और बना दीजिए, और ये जो पहले वाले चाप को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मैं बिंदु ए का नाम दे देता हूँ। तो अब बी ए और सी ए को हम आपस में मिला देते हैं, बी ए और सी ए को आपस में मिला दिया। तो इस तरह से हमारे पास त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ओके। इनमें से आप जिसको मर्जी पहले बाद में ले सकते हैं, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, किसी भी तरह से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब हमें क्या करना है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुणी हो। तो संगत भुजाओं के 2/3 गुणी हो या कुछ और गुना दे रखा हो यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ बी पॉइंट पर आप क्या करोगे कि न्यून कोण बनाओगे, कोई भी अपनी मर्जी से न्यून कोण बना दीजिए। अब ये अनुपात को ध्यान से देखिए कितना गुना है, 2/3 गुना। तो इसमें एक अंश 2 है और हर 3 है, अंश और हर में से बड़ा देखिए कौन है, बड़ा 3 है। तो आप प्रकार खोल करके जो आपने न्यून कोण बनाया है उसके ऊपर 3 रेखाखंड अंकित करेंगे, 1, 2 और 3। कहने का अर्थ ये है कि जो यहाँ पर अंश और हर में से बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 3 है। तो आपने यहाँ पर 3 रेखाखंड, इनको नाम देंगे B1, B2 और B3 अंकित करने हैं और इसके ऋण को मैं नाम BX ले देता हूँ। अब 2/3 में से पहले तो आपने देखा कि बड़ी संख्या कौन सी है, चाहे अंश बड़ा हो चाहे हर बड़ा हो, बड़ी के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर गिन करके उतने ही रेखाखंड बनाने हैं।
उसके बाद नीचे वाला देखना है यानी हर देखना है, हर क्या है 3, तो तीसरे को लास्ट पॉइंट से मिला दो, तीसरे को सी से मिला दिया। ओके, अब ऊपर वाला देखना है, अंश देखना है, पहले तो बड़ी संख्या देखनी है, फिर हर देखना है, फिर अंश देखना है, अंश कितना 2, तो बी 2 से इसी के समांतर एक रेखा हमने ड्रा करनी है, तो बी 3 सी के समांतर अगर हमें ड्रा करना है तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप एक चाप मारिए, जितनी चाप यहाँ लगाई है ऐसे ही चाप आपने यहाँ लगानी है। अब उसके बाद यहाँ से ये वाला कोण मापना पड़ेगा, तो उतना ही आपने यहाँ पर ड्रा करना है। ओके, फिर आपने B3 और इस चाप B2 और इस चाप को मिला देना। ओके, तो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ, जैसे ये C है तो इसको मैं C' का नाम दे देता हूँ, B2 C' B3 C के समांतर हमने ड्रा किया है। अब देखिए कि CA के समांतर हम C' से एक रेखाखंड और खींचेंगे। समांतर रेखाखंड खींचने का तरीका वही है कि पहले आप यहाँ पर एक चाप लगाइए, फिर जहाँ से आपने समांतर रेखाखंड खींचना, जैसे C' से खींचना है, डैश इस चाप के नीचे आ गई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर उतनी ही बड़ी एक चाप लगाएंगे, फिर ये कोण माप लेंगे यहाँ से कितने डिग्री का है। ओके, और फिर यहाँ पर उतनी ही बड़ी चाप हम और लगा दें। क्या किया मैंने कि ये इतना माप करके इतना यहाँ पर चाप लगा दी, फिर इस बिंदु C' को और इस चाप को मिला देंगे। देखिए इसके समांतर ये एक रेखाखंड बन गया है। अब AB को जिस बिंदु पर काटता है उसको मैं A' का नाम दे देता हूँ। अब A' B C' त्रिभुज ABC की 2/3 गुना होगी, तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुना होगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी रचना की जो चरण है वो देख लेते हैं। मैंने समय बताने के लिए पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखें। पहले तो आपने क्या किया, BC रेखाखंड जो 6 सेंटीमीटर लिया, उसी के अकॉर्डिंग लिख दो कि एक रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद B को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींची, और फिर C को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके पहली चाप को काटा, ये पहले वाले चाप को A पर काटती है। तो वही लिख दिया मैंने, B को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाई, फिर इसी प्रकार C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य चाप लगाई जो पहले वाले चाप को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, फिर AB तथा AC को मिलाया जिससे ABC त्रिभुज प्राप्त हो गई। ओके, फिर बिंदु B पर CBX एक न्यून कोण बनाया। अब BX पर 3 एक समान रेखाखंड BB1 B1 B2 और B2 B3 अंकित किए, B3 C को मिलाया, B3 C के समांतर रेखाखंड B2 C' बनाया जो BC को C' पर प्रतिच्छेद करता है, जैसे हमने बनाया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिया है। फिर C'A'CA के समांतर एक और रचना की जो AB को A' पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से जो त्रिभुज में A'B C' प्राप्त हुई वो ABC की 2/3 गुना है, या A'B C' की संगत भुजाएं दी गई त्रिभुज ABC की 2/3 गुनी है। ओके,
आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी टिप्पणी के बारे में बात करते हैं कि यह इसकी रचना का जो औचित्य है उसकी हम बात करते हैं। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि ए डैश सी डैश समांतर है ए सी के। अब देखिए कि ए डैश सी डैश ए सी के समांतर है, इसका मतलब बी ए डैश सी डैश यानी ये छोटे वाले जो त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं ये समरूप होगी बी ए सी की। तो अब देखिए कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है बी ए डैश बाई बी ए, बी ए डैश बाई बी ए बराबर ए ए डैश सी डैश बाई ए सी बराबर बी सी डैश बाई बी सी। ओके, ये जब दोनों त्रिभुजें समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी। इसी प्रकार क्या है कि बी थ्री सी बी टू सी डैश के समांतर है, यानी बी टू सी डैश समांतर है बी थ्री सी के। अगर ये समांतर है तो त्रिभुज बी बी टू सी डैश, त्रिभुज बी बी टू सी डैश समरूप है त्रिभुज बी बी थ्री सी की। ओके, जब ये समरूप है तो हम ये कह सकते हैं कि बी सी डैश बाई बी सी बराबर है बी बी टू बाई बी बी थ्री। ओके, बी टू कितने पार्ट है, दो, और बी बी थ्री कितने पार्ट है, तीन। तो ये वास्तव में किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो यहाँ से समीकरण एक और समीकरण दो से हम ये कह सकते हैं कि समीकरण एक और दो से हम कह सकते हैं समीकरण एक व दो से देखिए बी सी डैश बाई बी सी, बी सी डैश बाई बी सी किसके बराबर, 2/3 के बराबर। तो इसका मतलब तीनों पार्टी किसके बराबर होगी, 2/3 के बराबर। तो इसका मतलब बी ए डैश बाई बी ए, ए डैश सी डैश बाई ए सी, बी सी डैश बाई बी सी किसके बराबर, 2/3 के बराबर। क्या किया अपने, बी बी ए डैश बाई बी ए यानी इस छोटी भुजा का अनुपात और बड़ी भुजा का अनुपात बराबर इसका अनुपात बटे ये बाई ये बराबर ये बाई पूरी किसके बराबर, 2/3 के बराबर। तो ये तो हमने सिद्ध करना था यहाँ पर। तो सेम टू सेम ऐसी ही एक्सप्लेनेशन हमने आगे सभी सवालों में देनी है। तो ये एक याद होगी तो समझ लो सारी हो जाएगी, दिक्कत कोई नहीं है। बस करना क्या है कि ये दोनों समांतर, ये समांतर तो छोटी त्रिभुज और बड़ी त्रिभुज समरूप। तो ये भुजा भाई ये भुजा, ये भुजा भाई ये भुजा, ये भुजा भाई ये भुजा इक्वल। ठीक उसी तरह से ये इसके समांतर, तो ये छोटी त्रिभुज और ये बड़ी त्रिभुज समरूप, समरूप तो छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा बराबर। तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा, वह अनुपात जो आगे तक चला जाएगा, यहाँ से दो समीकरण बन गए। और जो आगे अनुपात आए वो पहले के बराबर रख दो, बस प्रूव हो गया।
अब आगे तीसरा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुणी हों। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि जैसे पहले देखिए समानता वही है कि उसी टाइप की एक 3 भुजाओं वाली त्रिभुज बनानी है, फिर एक इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पर तो 2/3 गुना थी और यहाँ क्या है 7/5 गुना, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि 2/3 गुना 2/3 क्या है कि एक से छोटी संख्या है, एक से छोटी भिन्न है, तो जो त्रिभुज बनेगी वो दी गई त्रिभुज की छोटी बनेगी जो नई त्रिभुज हम बनाएंगे। और 7/5 देखिए अगर अंश बड़ा है तो इसका मतलब भिन्न एक से बड़ी है, एक से बड़ी है तो इस बार देखिए कि जो त्रिभुज हम यहाँ से ABC बनाएंगे ना, और एक से बड़ी है तो इस बार जो 7/5 गुना बनेगी वो कुछ इस तरह से दी गई त्रिभुज से बड़ी बनेगी। ओके, तो सिंपल सी बात है कि भिन्न अगर एक से छोटी है तो जो समरूप त्रिभुज हम बनाएंगे वो इससे छोटी बनेगी, और बड़ी भी नहीं तो समरूप त्रिभुज इससे बड़ी बनेगी। तो आइए सबसे पहले तो इस त्रिभुज की रचना करते हैं। यहाँ पर भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसको मैं बेस में लेना पसंद करता हूँ, आकृति सुंदर बनती है इससे कि जो आधार है वो सबसे बड़ी भुजा लेते हैं। यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये देखिए मैंने 7 सेंटीमीटर यहाँ पर BC ले लिया, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो उससे थोड़ी छोटी भुजा है उसको मैं B बिंदु पर ड्रा करना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर पर कार कॉल करके अपने बिंदु B पर से को केंद्र मान करके एक चाप खींचनी है, फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है आपने, ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली, C को केंद्र मानना और पहले वाले चाप को काट दिया। अब जिस बिंदु पर काटेगी उसे बिंदु A का नाम देंगी। अब AB और AC को मिला दो, तो इस तरह से ABC एक त्रिभुज की रचना हो गई। अब रहेगी बात 7/5 गुणे त्रिभुज बनाने। 7/5 गुणे त्रिभुज बनाने के लिए पहले की तरह से हम क्या करेंगे, एक बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाएंगे, एक CB एक्स एक न्यून कोण बनाया। अब मैंने आपको बताया कि अब इनमें से जो संख्याएं देखने का जो सीरीज है वो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी, अंश वाली है हर वाली है, उसके बाद हर देखेंगे और फिर उसके बाद अंश देखेंगे। तो बड़ी संख्या है 7, तो यहाँ पर इसके 7 रेखाखंड हमें ड्रा करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर प्रकार खोल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देखिए मैंने 7 रेखाखंड ड्रा कर दिए, इनके नाम दूंगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B1, B1, B2, B3, B2, B3 और इसी तरह से B6, B7 तक 7 रेखाखंड हमने ड्रा कर दिए। अब आपने बड़ी संख्या के हिसाब से काम कर दिया है, अब हर देखना है। बड़ी संख्या के हिसाब से आपने गिन करके यहाँ पर रेखाखंड अंकित करने हैं, उसके बाद रेखाखंड अंकित करने के बाद दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है
हर देखना हर कितना है 5। तो इसका पांचवा पॉइंट देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा पॉइंट आप लास्ट में सी के साथ मैच करेंगे। ओके, अब पिछले आकृति में क्या था कि 2/3 गुणा था, तो हमने वही देखा कि पहले बड़ी संख्या देखी उसके अकॉर्डिंग यहां बनाया, फिर हर देखा हर कितना था 3, तो तीसरे को लास्ट से मिलाया। अब हर कितना है 5, अब पांचवें को लास्ट से मिला देंगे। तो उसके बाद देखेंगे अंश, अंश क्या है 7, तो 7 से इसके पैरेलल ड्रा करेंगे, और यहाँ अंश क्या था 2, तो 2 के पैरेलल हमने यहाँ पर ड्रा कर दी थी। तो अब क्योंकि इसकी रेखाखंड तो यहाँ जाएगी, तो बीसी को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलो मैं बढ़ा देता हूँ ये राशि। अब देखिए कि B5C के समांतर B7C' खींचेंगे। तो समांतर खींचने के लिए तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक चाप लगाई, उतनी बड़ी चाप आपने यहाँ लगानी है, फिर ये वाला कोण आपने प्रकार खोल करके मापना है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर माप देंगे, और B7 और इस चाप को आपस में मिला देंगे, जो बढ़ाई गई BC को C' पर काटता है। ओके, फिर उसके बाद CA के समांतर हमें एक और रेखा यहाँ पर ड्रा करनी होगी, तो इसके लिए मुझे BA को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये सही बढ़ाना आपने बी। ओके ठीक है, अब यहाँ से हमने एक कोण मापने के लिए एक ऐसे चाप लगाई, और फिर ये यहाँ से माप लेंगे इतना है, यहाँ से इतना ही आपने यहाँ कट करना है। तो अब C' और इस चाप को मिला करके आगे बढ़ा देंगे, C' और इस चाप को मिला करके हम आगे बढ़ा देंगे, जो BA को A' पे कट करेगा। तो इस तरह से A'BC' ABC की 7/5 गुणी त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसके रचना के चरण लिखेंगे, सबसे पहला तो उसी प्रकार से कि एक रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर लिया, एक रेखा खंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया, उसके बाद B को केंद्र मानकर, और ये कितनी भुजा थी 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तो B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, तथा C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक और चाप लगाई, जो पहली चाप को बिंदु A पर काटती है, जो पहली चाप को बिंदु A पर काटती है। तो AB तथा AC को मिलाया, AB तथा AC को मिलाया, इसलिए इससे त्रिभुज ABC प्राप्त हुई, जिसकी
भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद हम ये कहेंगे कि बिंदु बी पर सी बी एक्स, बिंदु बी पर सी बी एक्स एक न्यून कोण बनाया। उसके बाद आपने क्या किया, बी एक्स पर, बी एक्स पर 7 बराबर रेखाखंड, बी बी वन, बी वन बी टू, बी टू बी थ्री, बी थ्री बी फोर, बी फोर बी फाइव, बी फाइव बी सिक्स, बी सिक्स बी सेवन अंकित किए। उसके बाद बी फाइव सी को मिलाया, बी फाइव सी को मिलाया, फिर बी सेवन सी डैश, बी सेवन सी डैश पैरेलल टू बी फाइव सी बनाया, जो बढ़ाई गई बी सी को, बढ़ाई गई बी सी को सी डैश पर काटता है। उसके बाद आपने क्या किया, सी डैश ए डैश पैरेलल टू सी ए बनाया, जो बढ़ाई गई बी ए को ए डैश पर काटता है, ए डैश पर काटता है। अब ए डैश बी सी डैश कहते हैं 8 नंबर पर, ए डैश बी सी डैश त्रिभुज बराबर 7/5 त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुई। ठीक, अब देखिए कि रचना का औचित्य हम कैसे लिखेंगे। त्रिभुज ए डैश बी सी डैश में, ए डैश बी सी डैश में ए डैश सी डैश समांतर है एसी के। अगर ये समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी, समरूप होगी तो इसके संगत भुजाएं जो क्या होगी, समानुपाती होगी, समानुपाती होगी तो हम क्या कहेंगे कि ए डैश बी, ए डैश बी बाई ए बी बराबर है सी डैश बी बाई सी बी, या बी सी डैश कह दो एक ही बात है, बराबर ए डैश सी डैश बाई ए सी। इसी तरह त्रिभुज बी बी सेवन सी डैश में, बी बी सेवन सी डैश में क्या होगा कि बी सेवन बी बाई बी फाइव बी इसके बराबर है सी डैश बी बाई सी बी। बी सेवन बी किस कितने पार्ट है, 7, बी फाइव बी कितने पार्ट है, 5, तो इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, तो सी डैश बी बाई सी बी, सी डैश बाई सी बी किसके बराबर, 7/5, तो ये सारे के सारे पार्ट किसके बराबर हो गए, 7/5 के बराबर। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से ए डैश बी बाई ए बी बराबर सी डैश बाई सी बी बराबर ए डैश सी डैश बाई ए सी किसके बराबर, 7/5। अगर बुझाएं इस तरह समानुपाती है तो जो नई त्रिभुज है वो पहले वाले त्रिभुज की 7/5 गुणी होगी, इसलिए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बराबर 7/5 ऑफ ट्राइंगल ए
बी सी ओके एंड स्पोर्ट। तो कह रहे बच्चों बाकी आगे जितने भी सम आएंगे उनकी रचना की तरण और रचना का औचित्य सेम टू सेम जैसा हमने सवाल नंबर दो और तीन में किया है बिल्कुल ऐसा ही है।